नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। महाराष्ट्र के बुलडाणा में देर रात एक बस हादसा हो गया। नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकरा कर डिवाइडर पर चट गई और पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। बस में 34 लोग सवार थे, जिसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। हादसा देर रात बुलडाणा जिले के सिंधखेड़ा राजा के पास पिंपल खूंटा गांव के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुआ। एसपी सुनील कड़ासिन ने बताया, हादसे में बस का ड्राइवर बच गया है। उसने बताया कि टायर फटने के बाद हादसा हुआ और बस में आग लग गई। बाद में बस के डीजल टैंक ने आग पकड़ ली, जिससे आग फैल गई। बस में करीब 33 यात्री सफर कर रहे थे। मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। कलेक्टर डॉक्टर एचपी तुम्मोड़ बस दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है, शवों की पहचान की जा रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 905 पदों पर ऑफिसर्स की भर्ती निकाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। आयोग ने 28 जून को RAS भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। अब आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं 2023 के लिए कुल 905 पद हैं। RAS परीक्षा 2023 का आयोजन सितंबर या अक्टूबर महीने में किए जाने की संभावना है। जयपुर पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 45 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि अदालत की ओर से अभियुक्त के प्रति नरमी बरती गई, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और अपराध की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 29 अक्टूबर 2021 को कांवटिया अस्पताल में पर्चा बयान दिया कि उसके माता पिता कचरा बीनने का काम करते हैं और इस दौरान वह घर पर अकेली रहती है। पास के कमरे में रहने वाले उसके दूर के रिश्ते के मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। FSL और DNA रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें सामने आया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था। देश में सरकारी तेल गैस कंपनियों ने LPG गैस की कीमतों का रिव्यू किया है। कंपनियों ने शनिवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये तक का इजाफा किया है। ये दरें आज से लागू हो गई। इससे पहले पिछले महीने कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 84 रुपये की कमी की थी। कंपनियों से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर, जो कल तक 1796 रुपये में बाजार में मिलता था, जो आज से बढ़कर 1803 रुपये में मिलेगा। वही जोधपुर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर समेत राजस्थान के अन्य शहरों में अलग अलग दाम है। इससे पहले तेल गैस कंपनियों ने लगातार 3 महीने पहले अप्रैल, मई और जून में कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतें कमी की थी, लेकिन तब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। सीकर शहर में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवक से 2,04,000 रुपये ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, युवक को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर 50% तक का प्रॉफिट का भी लालच दिया। सीकर शहर निवासी ऋषिकेश ने कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 20 जून को उसके नंबर पर कॉल आया। सामने वाले ने कहा कि वह कॉइन स्विच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बोल रहे हैं, क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं? शुरू में 200 रुपये बोनस का झांसा दिया, जो उसके पास आ गए। इसके बाद ठगों ने ऋषिकेश से 2,04,000 रुपये अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए और कहा कि अमाउंट को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने पर 30-50% तक प्रॉफिट मिलेगा, पर न प्रॉफिट मिला न ही रकम वापस मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल में राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कर नए जिलों के गठन पर मोहर लगा दी है। राज्य में जिलों की संख्या 50 रहेगी। इनमें शामिल तहसील उपखंडों की सीमाओं की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण नाम से नए जिले बनेंगे।
जयपुर ग्रामीण में रैनवाल, सांबर, फुलेरा, जोबनेर, चोमू, शाहपुरा आ सकते हैं। दूदू सबसे छोटा जिला होगा, इसमें दूदू, फागी और मौजमाबाद शामिल होंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट नए जिलों की सीमाओं के विवाद का समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में बैठक हुई। बैठक में गहलोत ने कहा कि नए जिलों से विकास को गति मिलेगी और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी, इससे आमजन की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। बैठक में नए जिलों को लेकर राम लुभाया समिति की रिपोर्ट, ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की ओर से आकलन कर सीमा निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। अलवर शहर के अनिबी थाने के प्रभारी राजेश वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्मा पर अपराधी को पकड़ने के मामले में जानबूझकर लापरवाही बरतने का आरोप है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बिजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राजेश वर्मा के खिलाफ खंबीर आरोप है, जिसकी विभागीय जांच प्रस्तावित है। इस कारण डीजीपी के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक राजेश वर्मा को तुरंत निलंबित किया गया है। मामले में अलवर एसपी ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। उधर थाने से मिली जानकारी के अनुसार किसी अपराधी को छोड़ने का गंभीर मामला था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक महिला ने युवक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर वीडियो और फोटो लेने तथा उसे ब्लैकमेल कर लगातार यौन शोषण कर जेवरात ले जाने और उसके नाबालिग पुत्री के साथ भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। नसीराबाद सिटी थाने में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति की बयावर मार्ग पर दुकान होने के कारण उमेश से उनका परिचय था, जिसके चलते आरोपी उनकी दुकान पर व घर पर आता जाता रहता था। 26 अप्रैल 2022 को आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए जबरन दुष्कर्म कर मोबाइल से वीडियो व फोटो ले लिए। वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा और जेवरात भी ले लिए। 26 जनवरी को आरोपी ने नाबालिग पुत्री से भी अश्लील हरकतें की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग स्टूडेंट्स पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित स्टूडेंट हिमांशु निवासी सासाराम बिहार ने इसकी शिकायत जवाहर नगर थाने में दी है। हिमांशु कोटा में पिछले 2 साल से रह रहा है और एक कोचिंग से आईटीआई की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट ने झगड़े का कारण नहीं बताया। पीड़ित स्टूडेंट हिमांशु ने बताया कि शाम को कोचिंग क्लास खत्म करके सिटी मॉल गया, वहां से घर लौट रहा था। सिटी मॉल के सामने जीत चौधरी, रोहिल खान, अक्रम सहित अन्य खड़े थे। उन्होंने रास्ते में रुकवाया, हाथ पकड़कर मारना शुरू कर दिया और जमीन पर पटक कर चैन चाकू व ईंट से हमला किया। जेब में रखे करीब 3700 रुपये निकाल लिए। हमले में उसकी पीठ, सिर व नाक पर चाकू के कट लगे हैं। हिमांशु ने बताया कि ये बदमाश एचआर फोर्स नाम की गैंग से जुड़े हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के अनिबी थाना क्षेत्र के ठाकरवाला कुआ रामनगर में एक सोने मकान से चोर 50,000 रुपये की नकदी वे करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर पार कर ले गए। परिवार के लोग खाटू श्याम जी गए थे, बच्चे पड़ोसी के घर में सोने चले गए थे। रात को पीछे से चोर घर में घुसे, 5 ताले तोड़कर नकदी वे जेवर पार कर लिए। रामनगर ठाकरावाला कुआ निवासी जितेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वे खाटू श्याम जी गए थे। पीछे से चोर घर से करीब 5 ताले तोड़कर 50,000 रुपये व 1.5 लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, चोरों की तलाश शुरू की है, लेकिन अभी चोरों का सुराग नहीं लगा है।